कंसर्न थोड़ा सा ये है, मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे लास्ट 2 डेज से, मतलब 12 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी लाइक मैंने आपको बताया था मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से तो मेरे को 1.5 2 महीने कंटिन्यूसली चला। उसके बाद ये दूसरा साइकिल है मेरा, और आज 6वां दिन है। मुझे लास्ट 2 डेज से ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है। जब तक फास्टिंग वगैरह किया था तब तक सब नॉर्मल चल रहा था, जैसे ही थोड़ा फूड पे और लिक्विड डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आई कल खाने के साथ में, 2 दिन से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि खून बचेगा नहीं क्या। हाँ, तो फिर आप फास्टिंग करिए, लिक्विड डाइट पे रहिए, भोजन मत करिए अभी 2 दिन, और बेड रेस्ट करिए, छुट्टी लेकर करिए। देखिए, मुझे आपने बताया ये आपका तब से प्रॉब्लम है, आपकी सर कुछ हुआ था आपके साथ, नहीं तो फिर जी 6 दिन की छुट्टी लेकर देखिए, मेंस्ट्रुएशन को आपको सही करना है, और सही भी नहीं करना हो, अगर आपको अल्टीमेट हेल्थ को अचीव करना है तो वीमेंस के मंथली साइकिल्स को मैनेज करना हमें सीखना है, और जिसमें आइडियल ये है कि 6 दिन की छुट्टी लेकर बेड रेस्ट करें आप कायस्थपूर्वक। तो अभी आपको ये हो रहा है तो 2 दिन की आप छुट्टी ले लीजिए बैंक से, और कंप्लीट बेड रेस्ट करिए, और लिक्विड डाइट पे रहिए, नारियल पानी, ग्रीन जूस, जो भी जूस आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हो। सर, और मतलब जब नींद आती है, मतलब जैसे कि हाँ ठीक है बच्चे के साथ में सोना सडन पॉसिबल नहीं हो पाता, वो जब तक सोता है उसके बाद ही आप अपने सोने का ट्राई कर सकते हो। जब भी नींद जस्ट आने वाली होती है, लगता है कि हम नींद आ रही, तो पैरों में एकदम से क्रैम्प बढ़ने लगा है, फिर मुझे थोड़ा तकिया रख के पैरों को ऊंचा करना पड़ रहा है। पैरों में जलन और गर्म से हो जाते हैं कि तेल मालिश करो, फिर पानी से नहा चुकी होती हूँ, फिर से पानी से धोने जाती हूँ पैरों को, वो चीज थोड़ा सा तंग कर रही है। कोई बात नहीं, देखिए पुरानी प्रॉब्लम्स है आपकी, जाते जाते जाएंगी, और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये सब लेके जाएगा, ये जो बहाव है ना, इसके बहाव 6 दिन में बह में जाओ। जो बॉडी और सोल और माइंड जो लाइट फील कर रहा है, वैसे कि मैं बोझ लेके अपने कंधों पे चल रही थी सुबह शाम, 24 घंटे एक बोझा कंधे पे डाला हुआ था, वो बैग उतर गया है पूरा, मतलब बॉडी का वेट बचा है, जो सर में और कंधों पे जो भार था वो मेरा लाइट हो चुका है। बहुत बढ़िया। नहीं, अब थैंक अभी यू सो मच। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आप फिर जी सर, वो गाना आपने सुना है कभी, आपने वो गाना आप गाने ही वाले हो सकता है अगले कौन 6 दिन सा? में गाने लगो, जी, आज कल पांव पांव जमीं पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है है मुझे मुझे कभी कभी उड़े उड़ते उड़ते हुए। हुए। यस यस, सर, चलिए। मतलब जो चीजें छूटी थी लास्ट क्लासेस में, मतलब क्लास अटेंड की थी, लग रहा था वो हमने 100% अटेंड की है, लेकिन आज जब दोबारा अटेंड करी है, ओ ये तो ध्यान ही नहीं दिया, ओ ये तो छूट गया था, वो चीजें अब रिकलेक्ट हो रही हैं और वो अब शायद और ज्यादा बेनिफिट दे। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे ओके निवेदन करता हूं कि आपको एक बार में, देखिए इतनी चीज, इसमें 60 वर्कशॉप्स को हमने इंटीग्रेट किया है, इसमें उसको उसके एसेंस को एकदम पकड़ में आ जाए जरूरी नहीं है, समय लगता है इसको पकड़ने में, लेकिन 6 दिन में प्रमाणित हो जाएगा आपको कि ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इससे संभव है, तो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, लेकिन फिर भी लोग कैसे कहते हैं ना, पैसा बचाने के लिए, अरे हम तो 2 बार करके देख लेंगे, अपने बार छुट्टी ले लेंगे, फिर कर लेंगे, अगली बार करेंगे, नहीं हम सब जा पाते हैं उनको, लेकिन जो इसके महत्व को समझते हैं एक सेशन भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि इतना कुछ मिलता है इससे। और ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे साथ, मैं उसको भेजता हूँ जो 1 साल से लगातार एक सेशन भी मिस नहीं किया, कहीं भी विश्व के कोने पे भी जाते हैं, उनके हस्बैंड उनको इतना घुमाते हैं, हैं कभी गोवा में दिखाई देते हैं, कभी ऋषिकेश में, कभी और कोललम बीच पे, और वहाँ से भी सेशन को लॉग इन करती हैं। तो सीमा झावेर जी को मैं लेता हूँ अभी, और उनका अनुभव, और हम कश्मीर गए रिट्रीट लेके, कश्मीर भी गई हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा फ्रॉम दिल्ली। मैं सर के साथ 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, एंड इट्स अ लवली प्रोग्राम, और मैं एक दिन भी मिस करना नहीं चाहती हूँ, एंड रियली एंजॉयिंग इट, और इससे मुझे बहुत फायदे भी हुए हैं। मेरे को वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम था, वो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट किया था, और वो लास्ट ईयर लॉकडाउन लगने की वजह से मैंने नहीं कराया, और लकीली मैं सर के साथ जुड़ गई, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरों में मुझे कोई स्वेलिंग नहीं है, दर्द नहीं है। सर के साथ मैं पूरे सूर्य नमस्कार वगैरह 70 के करीब रोज लगाती हूँ, और सारी क्रिया करती हूँ। रात को भी जो सर बोलते हैं हॉट वाटर बाथ है, उससे बहुत आराम की नींद आती है मुझे। पहले मेरा थोड़ा स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब था, मैं बहुत टीवी वगैरह और मोबाइल पे रहती थी, लेट सोती थी, और सुबह मेरा जल्दी उठने का आदत था तो नींद नहीं पूरी हो पाती थी।
पर अब टाइम टू टाइम 9 o'clock आई गो अप टू स्लीप। फैमिली 6 to जैसे 8 सर कहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हो गया। हम लोग 6 to 8 में, आई गॉट अ डॉटर इन लॉ सन, सब हम लोग सब साथ में बैठ के ताश वाश खेलते हैं, गप्पे मारते हैं, तो वो सब भी बहुत अच्छा है और पॉजिटिविटी सिखाती है प्रोग्राम। प्लस मेरा फूड क्रेविंग बहुत फर्क पड़ गया है, मेरे को मीठा खाने का बहुत आदत था, स्वीट्स का। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और हमारे यहाँ बड़ी फैमिली है, तो महाराज वगैरह प्रॉपर रखते हैं, सब काफी चीजें बनती रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं खाती थी। पर अब जैसे अब जुड़ गए तो पता चल गया अपने लिए क्या फायदे वाला है क्या नहीं, तो उस चीज में मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मेरी मीठे की क्रेविंग तो 80% चली ही गई है और हेल्दी फूड की तरफ आ गए हैं, मेरा थायराइड भी कम हुआ है और सब चीज में मुझे हेल्प कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम और मैं तो एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ, मैं तो सर को बोला आपके साथ जुड़ी रहूंगी मैं हमेशा। थैंक यू। यू आर वेलकम। अभी इन्होंने 1 साल के लिए एनरोलमेंट कराया है, 1 ईयर के लिए फर्दर रिन्यू कराया है अपने एनरोलमेंट। तो देखिए ये अद्भुत है। और कोई पुरानी शादी का कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो जिसको जल्दी है जाने की? सागरिका हाँ, सागरिका। सर, गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम वर्किंग इन दिल्ली एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आई हैव जॉइंड अ क्लास एक्चुअली 4 weeks बैक। दिस इज माय फर्स्ट क्लास एंड आई हैड जॉइंड, आई वाज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम, सो आई हैड सम पोस्ट कोविड सिम्टम्स आल्सो, आई वाज कफिंग एंड आई वाज फीलिंग सम कंडीशन। तो सर ने लेकिन वाटर फास्ट रखने के लिए बोला, तो वाटर फास्ट टाइम आई हैव नेवर केप्ट, तो वो वाटर फास्ट मेरा पहली बार था एंड आई डिडंट फील हंग्री एंड आई कुड कीप इट। एंड आफ्टर दैट वाटर फास्ट आई डिडंट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड कंडीशन और कफ और एनीथिंग, एंड मेरा वेट लॉस भी हुआ है। एंड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज माई फूड क्रेविंग, आई एम ए वेरी बिग फूडी, सो माई फूड क्रेविंग हैज गॉन डाउन कम्प्लीटली। I don't really feel eager towards having, after 5 o'clock I don't feel like having anything, and my tea craving, tea 4-5 बार मैं पी लेती थी, बट अभी चाय का कोई क्रेविंग नहीं है। आई डोंट फील लाइक हैविंग टी, इनफैक्ट एक दो बार ट्राई भी किया बट आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। सो एंड एनर्जी लेवल इज ऑल्सो वेरी हाई, आई एम गेटिंग अप एट 4 o'clock एंड स्लीपिंग एट 9:30, एंड 9:30 को स्लीप इतने अच्छे से हो जाता है। अर्लियर आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू स्लीप प्रॉपरली एंड गेटिंग अप एंड रिमेन अलर्ट ऑल डे एंड इट्स लाइक रियली नाइस। आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी कॉन्वर्सेशन में भी मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज न्यू एंड आई एम लर्निंग एवरी डे, सो आई एम रियली एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अभी देखिए अपनी 13 साल की बच्ची को करा रही है ये प्रोग्राम, एनरोल करा रही है 13 साल की बच्ची को। और अभी जिसको भी जल्दी हो, नए या पुराने पार्टिसिपेंट, नए पार्टिसिपेंट जिनको जल्दी हो तो अपना अपना कोई प्रश्न हो या शेयरिंग हो करके जा सकते हैं सर, मैं इन। विदुला, हाँ विदुला। हाँ जी विदुला। मेरा ये 2nd वीक चल रहा है, मेरा थायराइड का प्रॉब्लम था, मुझे मेडिसिन के बिना रहने के लिए मैं सेशन ज्वाइन किया है। मैं कोल्हापुर से हूँ, मैं प्रोफेशन से लेक्चरर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मेरे को नींद का प्रॉब्लम था, वो तो पूरा चला गया। मैं 6 दिन पिछले हफ्ते पूरा सो पाई हूँ, मतलब जैसे रात से लेके सुबह तक मेरा 1 नाइट स्लीप कभी होता नहीं था, और एक दिन भी मॉर्निंग रिचुअल्स मैं कभी कर नहीं पाती थी, कभी मैंने सुबह उठ के नहाया नहीं है, मैं बहुत लेट नहाती थी। अभी मुझे लेट नहाऊं तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें है, फर्क पड़ा है। फूड क्रेविंग कम हो गया, मैंने कभी मेरा 3 मील्स में दिन में लेती थी हमेशा, मैं कभी 1 मील नहीं चूकता था। आई कैन नॉट लिव विदाउट फूड, तो मैंने फुल लास्ट वीक सर के रूल के हिसाब से किया है, तो जब फूड क्रेविंग हो ही नहीं रहा है। अभी कल थोड़ा फास्टिंग ब्रेक करने का सोचा फूड खाने का, लेकिन थोड़ा खाया है लेकिन मन नहीं कर रहा है कि अभी वापस खाने का, तो यही रूटीन अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, अद्भुत। सर एक बार रीकैप कर दें कि आज अब मील्स क्या होंगे इसके बाद अच्छा आज। अभी 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 कर देते हैं, अभी कर देते हैं। कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रश्न है तो उसको हम ले सकते हैं। देखिए तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है हमारी, इसमें पहली स्टेज में हमें सांस को भरना होता है और निकालना होता है और 30 राउंड्स करने होते हैं। देखिए अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग, तो नहीं तो डबल आवाज़ आ रही है।
और फिर इससे 20% रिटेनमेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, और इसके बाद फिर एक मिनट, फिर सांस को पूरी तरह से बाहर खाली करना होता है 100%, और होल्ड करना है, होल्ड करके तीनों बंद लगाने हैं, एनस को पुल करते हैं, स्टोमक को पुल करते हैं और नेक को पुल करते हैं। इससे इमरजेंसी स्थिति शरीर के अंदर क्रिएट हो जाती है 1 मिनट में, क्योंकि 50-60 बार सांस को लेने की हमें आदत होती है, और अभी तो 1 मिनट में एक भी सांस नहीं लिया आपने। और उसके बाद फिर इनहेल करते हैं, रिकवरी ब्रेथ लेते हैं जब नहीं रोक पाते, कोशिश करें कि 1 मिनट तक रोक पाएं, और इस बार 15 सेकेंड ही सांस को भीतर रोकना है, इसको हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। और उसके बाद फिर तीनों बंद एक बार लगाने हैं, एनएस भी, स्टोमक भी और नेक भी। इसके बाद फिर 15 सेकेंड छोड़ने से पहले आपको टैपिंग करना है स्टोमक पे, नेक पे और हेड पे। क्यों करते हैं? टैपिंग अपने आप में एक विज्ञान है, ये हमारे शरीर के को एक्टिवेट करती है, जहाँ कहीं ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को तोड़ती है। तो हमारा मेन काम क्या है, ब्लॉकेज को कौन सा तोड़ना है? एक तो हमें नाभि का ब्लॉकेज तोड़ना है, एक नेक का एक्सप्रेशन शेयरिंग, जिससे कि हम कर सकें, व्यक्त कर सकें, इससे हमारे डर दूर होते हैं, और एक ऊपर सहस्रार चक्र से, जिससे कि जो ब्रह्मांड में एनलाइटेंड सोल्स हैं उनके साथ हमारी जो फ्रीक्वेंसी है मैच कर सके, जहां से वास्तव में जो कि विजडम का रियल सोर्स है। और ये चेकलिस्ट है हमारी, जिसमें सांस कितनी देर रोक पाए ये लिखना है, ये डेली आपको क्लास में आने से पहले पोस्ट करनी है। आपकी कमर का साइज क्या है, इंची टेप से रोज नापना है, आपका वजन को रोज मेजर करना है, और डायमंड पुशअप आपने कितने लगाए, सिटअप कितने लगाए, लेग अप, क्रंची और रेगुलर पुशअप कितने लगाए, ये एक साथ आपको करना है, और ये ग्रुप में पोस्ट करनी है आपको डेली। और अपने करंट फोटो के साथ पोस्ट करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप देखना 6 दिन में आपकी स्किन में, आपका आपके शरीर में कहीं सूजन है तो आपको खुद पता चलेगा। डेली अपना एक फोटो सेल्फी लीजिए आप, और उसके नीचे ये आप चेकलिस्ट डाल दीजिए। ये फूड मेडिटेशन ये मैं कल सिखाऊंगा आपको, जो डे रिचुअल है हमारा, और कायस्थ के स्टेप्स भी देख लीजिए, माइंडफुलनेस ऑफ ऑल सेंसेस ये आपको करना है, अभी यही सिखाया है। इसके बाद फॉरगिवनेस अभी थोड़ा सिखा रहे हैं आपको, ओरा क्लिंजिंग मंत्र के साथ कल सिखाएंगे, ग्रेटिट्यूड, और ये स्टेप्स हैं इसके सारे। और 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको याद रखनी है, हाउ टू कनेक्ट विद नेचर, ठीक है ना। और सारे डे रिचुअल, मॉर्निंग रिचुअल ये प्रैक्टिस करने हैं आपको, और वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, 100% अटेंशन के साथ सारे काम करना है, मेंटेन साइलेंस करनी है, चेयरफुलनेस रहना है, और टोटल एक्सेप्टेंस के साथ प्रोग्राम करना है। टोटल एक्सेप्टेंस में अपने आप को भी स्वीकार करना है, परिवार में, परिस्थितियों को, और टेक्नोलॉजी को भी। कभी मेरी टेक्नोलॉजी चली जाएगी, कभी आपकी चली जाएगी, ये प्रॉब्लम आने वाली है। और देखिए, नेचर से कनेक्ट करने के लिए ये 6 चीज़ों से कनेक्ट करना आपको सीखना है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। कैसे कनेक्ट करेंगे? सन से कनेक्ट करने के लिए सूर्य नमस्कार के माध्यम से करेंगे, जो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। आज दिन भर में एक बार आप करके देख लीजिए सूर्य नमस्कार को। देखिए, सूर्य नमस्कार सिखाने में हम समय नहीं लगाएंगे, ये बहुत सिंपल सी है, और इसमें परफेक्शन में नहीं जाना है। आप कोई भी वीडियो हम डाल देंगे, आप उसे देख के भी कर सकते हो, चेयर पर भी सूर्य नमस्कार कर सकते हो, जिसको खड़े होकर करने में दिक्कत है। और इसके बाद फिर आप सूरज के सामने आज थोड़ा जाके कपड़े निकाल कर छाती पर, कमर पर भी सन को, रेडिएशन को लीजिए, और एक बार सूरज की आंखों में आंखें डालकर देखना है, क्षण भर के लिए बस, फिर आंख बंद कर लेनी है। तो सन से कनेक्ट करना सीखना है, सुबह कर सकते हो और शाम को कर सकते हो, सनसेट से 1 घंटा पहले और सन राइजिंग के 1 घंटा बाद का जो सूरज है वो इसके लिए उपयुक्त है। ज़्यादा देर सूरज की तरफ टकटकी लगाकर अभी नहीं देखना है। और एयर से कनेक्ट करने के लिए, एयर का बताया हमने, सांसों के प्रति सजग रहना है, दिन भर में डीप ब्रीदिंग करनी है। वाटर के साथ कनेक्ट करने के लिए बताया कि शाम को गर्म पानी से, सुबह ठंडे पानी से नहाना है, और ठंडे पानी से आंखें धोनी है। और अर्थ से कनेक्ट करने के लिए नंगे पैर थोड़ी देर टहलना है, जहाँ भी मौका मिले, और नहीं तो किचन गार्डन में थोड़ा बहुत काम करना है, मिट्टी के साथ जुड़ना है। और स्पेस एलिमेंट के लिए इंटरमिटेंट फास्ट, और खुले में भोजन करिए, थोड़ा समय खुले में बिताइए, छत पर, बालकोनी में, या पार्क में टहल सकते हो। तो स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्ट करोगे, और उसके बाद साउंड एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जो बताया कि साउंड ऑफ साइलेंस सुनना हमने सिखाया आपको, और कल आपको मंत्रा के ऊपर, मंत्रा के साथ कैसे जुड़ेंगे, भक्तांबर मंत्र के साथ कैसे हम सूर्य नमस्कार करेंगे, साउंड एलिमेंट के साथ कैसे जुड़ेंगे, वो कल सीखेंगे।
तो इन छह के छह सूत्रों का परफेक्शन कल होगा। ये सूर्य नमस्कार की स्थितियां हैं, एक बार देख लीजिए। ये बच्चा है, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनकी 6 साल की बेटी इसको परफॉर्म करती है। तो ये इतनी सरल सी क्रियाएं हैं, 6 साल का बच्चा भी इनको कर सकता है। और ये भोजन के बारे में देख लीजिए बहुत क्विकली, इंटरमिटेंट फास्ट करना है। इस पे 2016 में नोबेल प्राइज मिल चुका है, और जिसको नोबेल प्राइज मिला है उसका नाम है योशिनोरी ओसुमी। ये एक वैज्ञानिक है जिसने ये सिद्ध किया है कि इंटरमिटेंट फास्ट के दौरान ऑटोफेगी एक प्रक्रिया है जो एक्टिवेट हो जाती है। एक तरह से समझिए कि जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स हैं, कैंसर सेल्स है, वायरसेज है, उन सबको रिसाइकल, डेड सेल्स हैं, उन सबको रिसाइकल करती है बॉडी, और उसमें से मतलब की चीज़ें रख लेती हैं और फालतू चीज़ें बाहर निकाल देती हैं। ये जो 6 दिन का भोजन है हमारा, इसी तरीके से हमने डिजाइन किया है कि बॉडी रिसाइकल करे और वेस्ट मटेरियल को निकालने में बॉडी को आसानी हो। ये इंटरमिटेंट फास्ट, इसको करने के लिए शाम को 6 बजे तक आपने डिनर किया, अगले 12 बजे, अगले दिन के 12 बजे आप लंच करेंगे, और 5 बजे, 6 बजे से पहले लंच डिनर को भी समाप्त कर लेंगे। 6 घंटे की ईटिंग विंडो और 18 घंटे की फास्टिंग विंडो, ये इंटरमिटेंट फास्ट है जो 6 के 6 दिन आपको करना है, और नेचर से कनेक्ट करना है। ये बात हुई इंटरमिटेंट फास्ट। फूड जो आपको लेना है 8 से 9 के बीच में आपको वेजिटेबल जूस, और जो लोग पतले हैं वो फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, बाकी लोगों को वेजिटेबल जूस लेना चाहिए, कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। वेजिटेबल जूस में ग्रीन लीफ्स भी शामिल करिए और वेजिटेबल्स भी जो आपको अच्छी लगती हो वेजिटेबल। करेले का जूस नहीं पीना है, अगर हाँ अच्छा लगता हो करेले का जूस, टेस्टी लगता हो, सिप सिप करके आप पी सकें, आंख बंद करके नाक बंद करके पीने वाली चीज़ें नहीं पीनी है प्लीज़। हमारा प्रोग्राम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम नहीं है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम टेस्ट का प्रोग्राम है, जो आपको टेस्टी लगे वही इसमें डालना है, टेस्ट कर करके डालिए। और कोई चीज़ कितनी भी बढ़िया हो, अगर वो कड़वी है, फीकी है, ज़्यादा टेस्टलेस है, उसको प्रयोग नहीं करना है। लौकी भी कई बार ऐसी आ जाती है फीकी फीकी सी और कड़वी कड़वी सी, उसको प्रयोग नहीं करना है। लौकी, तोरी या पेठा कुछ भी डालें तो टेस्ट करके डालिए जूस में, और बहुत अच्छे से क्लीन करके डालिए। और लंच में आपको लेना है फ्रूट्स, 4 तरह के फल, अधिक से अधिक सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए, और जो आपको अच्छे लगते हों वो खाने हैं। और इसके बाद डिनर में आपको, और पेट भर के खा सकते हो, और डिनर में आपको लेना है सलाद। सलाद 3 मुख्य सलाद हमने बताए हैं, एक तो स्वीट कॉर्न का सलाद बताया, स्प्राउट सलाद बताया आपको, और एक सोयाबीन का सलाद। अन्न में सिर्फ सोयाबीन ले सकते हो, वो भी सप्ताह में 2 बार, 2 बार से ज़्यादा नहीं। और कोकोनट डाल सकते हो सलाद में, बहुत टेस्टी सलाद बनता है। नींबू भी डाल सकते हो, धनिया पुदीना डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो आप। और अगर आपको ज़रूरत होती है उसके साथ, या उससे पहले सूप ले सकते हो, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी ले सकते हो। जिन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता इस डाइट में, तो वो थोड़ा सा मिलेट्स शामिल कर सकते हैं, विशेष रूप से जो लोग पतले हैं, जिनको वजन कम होने का डर है, वो मिलेट्स शामिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हुआ, क्या अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट को पूरी तरह से अवॉइड करना है, पनीर को, घी को, और शुगर, ऑयल, साल्ट, जेगरी, हनी और वाइट राइस और चपाती। एनिमल एलिमेंट को पूरा नील करेंगे हम, कोई भी फिश या मीट कोई भी हम इस दौरान नहीं खाएंगे, अन्न भी नहीं खाएंगे, चावल दाल रोटी नहीं खाएंगे। ये है, ये हमारा भोजन का रूटीन है। और इसके अलावा मैं इसमें 6 दिन का एक चार्ट एक डाइटिशियन ने बनाया था, वो मैं डाल दूंगा, पिक्चर के साथ है, लेकिन उसमें इसको प्रमुख देना है, उसने कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया है तो, लेकिन आपको मेन जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाह तो कर सकते हो। ये हमारा, हाँ जी, नारियल, कोकोनट वाटर लेंगे तो उसका नारियल खा सकते हैं क्या? हाँ, कोकोनट वाटर की गिरी ले सकते हो, और चाहो तो उसमें मिक्सी चला लीजिए, दूध बन जाता है बहुत बढ़िया वो, ठीक है ना, उसकी मलाई ले सकते हो, लेकिन बहुत मोटी वाली मलाई नहीं, बहुत मोटी वाली मलाई सलाद में डालो, लेकिन नारियल पानी के साथ पतले वाली मलाई ले सकते हो, अब मोटी निकल जाए तो उसको आप सलाद में मिला सकते हो। चलिए, तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका कोई प्रश्न है और उनकी कुछ शेयरिंग है, जिसको भी जल्दी है जाने की, अपने आप को म्यूट कर लीजिए या नाम डाल दीजिए अपना। सर, अगर ये स्लाइड्स मिल जाती हैं थोड़ा तो याद रखने में। हाँ सर, ये नोट्स डालेंगे ना हम,
और जो भी आपको नहीं मिले तो आप नोट्स में जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। हाँ जी, और बताइए बताइए, कौन आके अपना, और जिसका परिचय अब तक बिल्कुल नहीं हुआ वो जरूर आ जाए, एक बार थोड़ा परिचय कर ले मुझसे। आशुतोष। हाँ जी आशुतोष जी, आइए। मैं कल इंट्रोडक्शन मीटिंग में नहीं आ पाया था, हाँ जी कुछ फैमिली गैदरिंग थी। हाँ जी कल अवेलेबल नहीं था तो आज आया हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप अपना परिचय दीजिए सर अपना। आशुतोष गुप्ता। हाँ मैं देहरादून से हूँ। हाँ जी फार्मा बिजनेस में हूँ, फार्मा ट्रेडिंग में हूँ। हाँ जी, तो आज से सेशन मैंने ज्वाइन किया है। ओके। अच्छा सर, इसमें एक चीज पूछनी थी, मैंने आपसे फर्स्ट डे वेबिनार में पूछा था, मेरे को थोड़ा बैक पेन है। हाँ जी, जैसे आज पुशअप्स किए तो थोड़ा बैक पेन हुआ है, जबकि पुशअप्स ज्यादा नहीं हो पाए थे, 10 ही हो पाए थे, तो क्या मैं कंटिन्यू रखूं फिर उसको? सर बिल्कुल कंटिन्यू रखो, थोड़ा उतना ही करो जितना पेन नहीं हो आपको, ज्यादा ना हो, जितना बॉडी कर सकती है, जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं, इन रूटीन सूर्य नमस्कार में 20-25 राउंड कर लेता हूँ, बट ये पुशअप्स में आज पेन आया है थोड़ा। तो कोई बात नहीं, अब आगे भी करके देखो। चलते हाँ देखो, चलते, आप ठीक है ठीक थोड़ा मालिश करा लो है, ना ट्राई। आज, ठीक आज थोड़ा मसाज करा लीजिए बॉडी की, है ठीक बैक रब है, ट्राई। कराइए, मैडम से बोलिए वो करेंगे आपकी अच्छी से मालिश। मैडम भी साथ ही हैं, मैडम ने भी ज्वाइन किया है आज। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ कपल ज्वाइन किया है, उनसे भी अच्छा अभी हो नहीं रहा पुशअप्स वगैरह, उनके शोल्डर्स में पेन है और सब है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। सर, धीरे धीरे होगा, अभी तो देख लीजिए कितना हो रहा है, तभी तो पता चलेगा ना, मेजर करोगे तो पता चलेगा क्या चेंजेज आ रहा राइट है। सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके यू आर वेलकम। हाँ जी बताइए, और कौन अपना दे रहे हैं परिचय? सर, मेरा एक सवाल है सर, हाँ जी बोलिए। जो लोग रिपीट कर रहे हैं या बोले 1 साल से जुड़े हैं, तो ये तो 6 दिन का कोर्स है, तो उसके बाद बाद अगर जुड़े रहना है तो क्या करना कौन बोल रही हैं? अपने आप को वीडियो ऑन करिए। हाँ है? तुलिका। तुलिका, हाँ जी हाँ। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, पहला तो चीज़ें आपको फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा नहीं हो तो जुड़े रहने का कोई मकसद नहीं है, और फ़ायदा कितना हुआ है ये भी मेजर करना है आपको। जितनी आपने समय और अपना टाइम दिया है, इन्वेस्ट किया है, समय और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप, 15 घंटे और 9,000 आपने दिया है, इससे अगर ज़्यादा की वैल्यू मिलती है तो हम कहेंगे कुछ और दीजिए और लंबे समय बने रहिए। बात पकड़ में आ रही है? तो आपको फिर कंट्रीब्यूट करते रहना है प्रोग्राम में, समय भी और धन भी। आपको वैल्यू मिलती रहे, अगर दुगनी तिगनी 10 गुना वैल्यू मिलती है तो आपको देने में आनंद आएगा या जोर पड़ेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो देना है। हाँ बस, तो आनंद पूर्वक। तो ये वही लोग हैं जिनको अपने जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है समय और धन, उससे 10 गुना वैल्यू मिली है, तो वो और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है ना? कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कोई 1 साल के लिए कर रहा है, कोई 6 महीने के लिए कर रहा है, कोई 3 महीने के लिए कर रहा है, कोई 1 महीने के लिए कर रहा है, अलग अलग प्रोग्राम से। तो हम कहते हैं भाई जितना आपको वैल्यू मिली है आपको एक, तो उतना ही कंट्रीब्यूट करिए, तो फिर इतने पैसे नहीं देने होंगे, थोड़े देने होते हैं, ठीक है ना? और सर, ये डाइट सिर्फ 6 दिन तक करना है या बाद में फिर? सिर्फ सिर्फ 6 दिन तक करना है, उसके बाद कस्टमाइज करना है इसी डाइट को आपको, ठीक है? हाँ जी, एनी वन एल्स? हाँ जी अलका जी बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? आइए अलका जी। हाँ जी फर्स्ट डे था मेरा और ज्वाइन करके काफी अच्छा लगा। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं अच्छे से होल्ड, जो भी है होल्डिंग टेक्निक आपकी, वो कर पाऊँ। बाकी जो पुशअप्स हैं वो सारी चीजें, सारे रिचुअल, मॉर्निंग रिचुअल, नाइट रिचुअल करूँ और खुद को जितनी जल्दी हो सके हील करूँ, और उसके बाद बाकी लोगों को भी बताऊँ कि वो भी कैसे हील हो सकते हैं नेचुरल बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप कहाँ से हो, अपना परिचय तो दिया नहीं, क्या करते हो, कहाँ से हो? मेरा नाम अलका है, मैं अभी बाय प्रोफेशन एचआर हूँ, एक कंसल्टेंसी में हम हायरिंग करते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल की, और नई दिल्ली से हूँ, जॉब मैं गुड़गांव में करती हूँ सर। ओके, तो देखो एचआर की बात कर रहे हैं ना आप, एचआर डिपार्टमेंट से हो, हाँ सर, अभी आपने बताया था ह्यूमन रिसोर्स का, तो मैंने तो सुना आपको कुछ जस्ती है बात हमारी? सर बिल्कुल, आपने जो भी बातें बताई हैं वो कुछ
कुछ कुछ मतलब छोटी छोटी बिखरी हुई मैंने कई जगह सुनी थी, बट आपने एक साथ उसको एक कलेक्शन जो कह सकती हूँ मैं कि एक कलेक्टिव रूप में आपने उसको प्रेजेंट किया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे कई लोगों को अभी जो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी उसके लिए मैंने कई डाइट और ये चीजें फॉलो करी हैं, लेकिन वो थोड़ी बिखरी बिखरी थी। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी सुनी थी, जूस डाइट भी सुनी थी, लिक्विड डाइट भी सुनी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब वो एक सिस्टमेटिक वे में एक हो पाएगा कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी नेचुरल तरीके से, जो मॉर्निंग का योगा है आपका, नाइट। आपका बंद हो गया, आपकी आवाज अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी अलका जी, हाँ सर, तो मुझे वही लग रहा था कि अब ये सारी चीजें एक रूटीन में आ जाएंगी मेरी, क्योंकि एक रिदम बन जाएगी इन चीजों की, तो आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी तो नहीं निकल नहीं नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सिस को हमें रिडिफाइन करना है। एक कॉरपोरेट में जो ह्यूमन रिसोर्सिस का मतलब है कि हम व्यक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, यही उद्देश्य है ना ह्यूमन रिसोर्स का। हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ ह्यूमन्स बेटर, इसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स के क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको नर्चर करना है हमें। जैसे आपका एक ह्यूमन रिसोर्स है ब्रेथ, ब्रेथ को देखना। एक ह्यूमन रिसोर्स है अटेंशन, जहाँ भी अटेंशन, जहाँ भी आप 100% अटेंशन ले जाओगे तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जब आप सांस के साथ रहोगे तो आपका फोकस और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए। और आप अपनी बॉडी को जितना हेल्दी रखोगे, ये ह्यूमन रिसोर्स है नहीं, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, ये बिल्कुल सर। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये विषय होना चाहिए। तो उसके लिए आपकी मदद से हम इस प्रोग्राम को कॉर्पोरेट में ले जाना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, तो विकास जी है हमारे बीच में, और देखिए जो भी अपनी शेयरिंग करना चाहें बहुत क्विकली, नए स्टूडेंट्स पहले आ जाइए और उनका कोई प्रश्न है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर विकास जी से बात करेंगे। हेलो सर, इट वाज गुड टू डू फर्स्ट डे। आज का दिन बहुत शांतिपूर्ण मुझे लगा और बहुत खुशी हो रही है ये करके। इटसेल्फ लाइक फीलिंग हैज स्टार्टेड, इट हैज स्टार्टेड गिविंग मी अ गुड फीलिंग। एंड यस्टरडे आई कुडंट गिव माय इंट्रोडक्शन ड्यू टू माय पैरेलल ऑफिस जॉब गोइंग ऑन। सिंस इट्स अ वर्क फ्रॉम होम, पीपल आर मेकिंग अस वर्क इवन 24 आवर्स, एंड मी बीइंग एन आईटी कंसल्टिंग, आई एम एन एसएपी कंसल्टेंट इन अ बिग फोर, तो उसमें समय भी देना पड़ता है। एंड सो वॉज माई लैक इन नॉट गिविंग माई इंट्रोडक्शन। तो अभी वैसे ही चल रहा है। एंड आई एम फॉन्ड इनफ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि अब आपसे आदत लग जाएगी और लग रहा है। टुडे आई गॉट अप 5:15 ऑटोमेटिकली, कल से ही असर शुरू हो गया था। एंड मे बी नेक्स्ट 6 डेज में आई फील मैं प्रफुल्लित हो रही हूँ कि अच्छी ये आदत अगर लग जाएगी तो मतलब मैं आगे भी eventually connecting to corporate, since I belong to technical HR and I am myself a techno functional HR consultant, तो मैं इसे आगे programs को ले जाना चाहूंगी और इस माध्यम से आगे लोगों को भी जोड़ना चाहूंगी। and I'll be happy enough if I can help a mass of people. बिल्कुल I बिल्कुल felt really good sir. और कुछ चीजें हैं जो अभी मुझसे नहीं हो पा रही हैं, since I have a bit of a tummy, बैठे बैठे जॉब कर रही हूँ, मतलब since in the lockdown 1.5 years it's already been, तो अभी टमी है थोड़ी, तो इसलिए पुशअप नहीं हो पा रही है। एंड ड्यू टू माई लेग्स गेटिंग, ये सुन्न पड़ जाते हैं, जैसे पालथी मार के मैं बैठती हूँ तो दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं, तो फिर इन्हें छुटाना पड़ता है, फिर ये ठीक होते हैं, फिर मैं बैठती हूँ। देख ही रहे होंगे सिंस द वीडियो वाज ऑन एंड आई वाज फीलिंग डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। तो ये दो चीज़ों पे भी वर्क करना है। एंड माई लाइक एसिडिटी प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम है, ये 3-4 प्रॉब्लम्स, और वेट, अ बिट ऑफ वेट लॉस, वेट गेन इज देयर, तो उसको मैं कम करना चाहूंगी। तो दिस वाज फ्रॉम माई एंड, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। और आगे जैसे तुलिका ने कहा, तो शी बिलोंग्स टू रांची, आई ऑल्सो बिलोंग टू रांची, बट आई एम वर्किंग इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड गुड़गांव आर माई परस्पेक्टिव्स। तो गुड टू हियर दैट शी इज ऑल्सो फ्रॉम माई सिटी, अच्छा, हैप्पी टू हैव हर। ओके, एंड हेलो फ्रॉम माई साइड टू ऑल एंड तुलिका एज वेल। पर मैं चाहूंगी कि कुछ इसमें मेरी मदद हो जाए और मैं आगे लोगों की मदद कर सकूं, कॉर्पोरेट लेवल, पर्सनल लेवल, बोथ। थैंक यू सर, इन सारी चीजों को अगर बिल्कुल आप क्योर कर देंगे आप तो को बहुत धन्यवाद।
और आगे भी जुड़ा देखो रहना मैंने क्यों करने की कर कोशिश करूंगी, मतलब आप माध्यम बताएंगे कैसे जुड़ सकते हैं, एंड आई हैव टू बी इन कंटिन्यूअस लाइक कॉन्टैक्ट विद यू, तो आप मुझे प्लीज बताएंगे इस बारे में। देखो आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, बस उसको यूज करना ही सिखाएंगे हम आपको, मेरी श्योर जरूरत डेफिनेटली नहीं है आपको, ठीक है डेफिनेटली ना। आप सक्षम हो, आपके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं बस उस तरफ ध्यान दिलाना है, उनको ही यूज करना है, वही टूल्स हैं आपके, और राइट जिसमें उससे परिचय में करा रहा हूँ आपका। और फिर देखो कैसे रोग जाते हैं आपके, आपने कभी कहा सुनिए गधे के सिर के से सींग गायब हो जाते हैं जैसे, सुना हैं है ऐसे जी, आपके रोग गायब होने वाले हैं बहुत बहुत बस। धन्यवाद हाँ सर, जी, कोशिश करूंगी। और कौन बात करेंगे, चलिए विकास जी को लेते हैं, देवी इनसे बात करिए, विकास जी से इनका क्या अनुभव है, ये 4 महीने से कर रहे हैं प्रोग्राम को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विकास जैन, आई एम फ्रॉम दिल्ली इंडिया, आई एम अ ऑथर स्पीकर एंड कोच। आई हैव बीन एसोसिएटेड एज अ डॉक्टर जिनेन जैन मेंशन फॉर अराउंड 4 months नाउ। माय प्राइमरी रीजन फॉर कनेक्टिंग वाज दैट आई एम अ प्रोफेशनल स्पीकर वेयर आई डिलीवर स्पीचेस ऑन स्टेज, एंड आई रियली वांट दैट माय बॉडी शुड आल्सो लुक वर्ल्ड क्लास बिकॉज माय टॉपिक इज हाउ पीपल एंड बिजनेसेस कैन बिकम वर्ल्ड क्लास इन देयर इंडस्ट्री। सो दैट वाज माय प्राइमरी थिंग फॉर ज्वाइनिंग। देर आर मेनी हिडन थिंग्स बट दैट्स द ऑब्वियसली प्राइमरी थिंग। सो द चेंज हैज बीन दैट आई हैव लॉस्ट अराउंड 11 केजीज ऑफ वेट इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 4 months, दैट्स वन। सेकेंडली देर आर अदर सम स्मॉलर थिंग्स विच कीप क्रोपिंग अप। फॉर एग्जाम्पल आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ सिवियर पेन एट द बैक ऑफ वन ऑफ द आई विच आई फाउंड आउट ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम दैट इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ एसिडिटी। तो देर इज दिस टेक्निक कुंजल, तो जब जब वो किया इट हेल्प, एंड नाउ इट इज उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई है, मतलब देर आर वेरी रेयर मोमेंट जिसमें वो चीज होती है। माई लॉन्ग टर्म थिंग्स आर डेफिनेटली जैसे अभी आई एम वर्किंग विद डॉक्टर जिनेन जैन दैट कि क्या ये ग्लासेस भी रिमूव हो सकते हैं, तो ही हैज दिस कॉन्फिडेंस के रिमूव हो सकते हैं, तो लेट्स सी कि वो कैसे चीज होती है। दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म गोल। अगर जो सटल थिंग्स आई वुड सजेस्ट कि मेरे को हमेशा एक वो चीज लगती थी कि जैसे हम टिपिकली ये तो बहुत नेट पे सुन लेते हैं कि देर इज दिस सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड, और जो हम रोटी और ये सब सब्जी खाते थे उसको हम सात्विक फूड कहते हैं। तो मेरे लिए यही वंडरिंग वो रहता था कि जब लोग सात्विक फूड खा रहे हैं और तब भी बीमार पड़ रहे हैं, देर आर दिस कैजुअलिटीज की एकदम ये हुआ वो हुआ ये हो रहा है, तो और क्या खाएगा मतलब पर्सन अगर वो सात्विक फूड खा रहा है और फिर भी डिजीज है, तो वट इज द सीक्रेट टू बी हेल्दी। तो दिस एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग वेरी लेस और उसमें भी फ्रूट डाइट वेजिटेबल डाइट वॉज ऑल टूगेदर न्यू टू मी, बट यही आप जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वेन यू विल एक्सपीरियंस दिस इन दिस 6 days की अच्छा दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, अभी तक वो इम्पॉसिबल लगता था, देन यू विल गेट टू ए फेज की अच्छा पॉसिबल तो है, मतलब यू कैन लिव विदाउट द रेगुलर 3 time meals ऑफ चपाती और चावल खाना ही है, उसके बिना तो हम कैसे जी सकते हैं, तो दैट मिथ इज गोइंग टू ब्रेक। द सेकेंड फेज वुड बी कि वही होता है ना, हर फेज की अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। आई वर्क विद लॉट ऑफ कॉर्पोरेट, सबको पता है यू स्टार्ट एन इंटरवेंशन फिर एक एक लेवल पे आगे चलते जाते हैं और चैलेंजेस बदलते चले जाते हैं। आफ्टर दैट इट माइट कम एज कि टेस्टी क्या लगता है, क्या चीज करनी है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, बट दोज आर गोइंग टू बी लेटर थिंग। अभी के लिए आपका हम्बल रिक्वेस्ट कि जो चीजें बताई जा रही हैं ट्राई टू फॉलो दैट प्रैक्टिस सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ जो हम जिस पे नाम पे काम कर रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग सिस्टम उसका नाम दिया जाए। मतलब होता क्या है कि अभी हम दूसरों को बताते हैं तो उनको लगता है वो नेचुरोपैथी हो रही है या योगा हो रही है या कायस्थर हो रहा है विच इज अ फॉर्म मेडिटेशन हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, व्हाट इज वर्किंग इनसाइड। तो व्हाट इज वर्किंग इनसाइड अस जो रीइग्नाइट हो रहा है ड्यूरिंग दिस 6 days इज योर सेल्फ हीलिंग सिस्टम, कि अगर बोन टूट जाती है वो भी अपने आप जुड़ती है, अगर दूसरी कोई इंजरी हो जाती है वो भी अपने आप ठीक होती है। तो जब ये एक्सटर्नल बॉडी के सारे फैक्टर्स अपने आप फिजिकल फैक्टर ठीक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट दिस एसिडिटी, व्हाई नॉट दिस अदर बॉडी प्रॉब्लम जो हो रही है, क्या बॉडी इनको ठीक नहीं कर रही होगी, तो इनके लिए हमें संभव लगता है कि नहीं वी नीड दैट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, इसके लिए तो कोई दवाई खा के ही ठीक होगा, कोई डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा, ये बॉडी खुद से नहीं कर रही। बट ड्यूरिंग दिस 6 days यू विल एक्सपीरियंस की बॉडी शायद इनको भी ठीक करना चाह रही थी बट हमने उसको ठीक नहीं करने दिया था। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस जर्नी, पहले ज्यादा हैवी डोज ना हो जाए,
एंड लाइटली एंजॉय करते हुए. ऑब्वियसली जेजे का जो स्टाइल ऑफ डिलीवरी है दैट इज वेरी फिल्मी. सो वेलकम यू ऑल एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस. बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच विकास जी. आपने तो जैसे गागर में सागर भर दिया हो, आपने पूरे हमारे प्रोग्राम का क्रक्स जो है इन्होंने 2 मिनट में बता दिया. देखो यही तो स्पीकर की खास बात है ना, वर्ल्ड क्लास स्पीकर ऐसी थोड़ी हो गए हैं और लोगों को वर्ल्ड क्लास बनाते हैं. हमने भी इनसे निवेदन किया भी हमारा, हम भी कुछ वर्ल्ड क्लास हो जाएँ प्रोग्राम में और डिलीवर करने में, हमारी डिलीवरी, हमारा प्रोग्राम. और इनको हमने अपना गोल दिया है कि जो पार्टिसिपेंट्स भी इस प्रोग्राम में आए उनको 10 गुना वैल्यू मिलनी चाहिए प्रोग्राम से. ये हमारा गोल हमने रखा है और इसमें ये हमारी हेल्प कर रहे हैं. और अभी एचआर जैसे वो जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट थे उन्होंने एचआर का एक्सपीरियंस शेयर किया. कल ही मैंने एक मलेशियन बिजनेस ग्रुप को प्रेजेंटेशन दिया था एंड द टॉपिक जो मेरा कॉर्पोरेट के लिए टॉपिक होता है दैट इज वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस सबको चाहिए बट हाउ टू अचीव वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस. तो वहां पे जो मैंने एक मॉडल शेयर किया था कि एक तो मेरा खुद का बनाया हुआ मॉडल है विकास वर्ल्ड क्लास क्वाड्रेंट दैट इज सेपरेट, बट एक ऑलरेडी वेल नोन मॉडल है जिसको परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल मैट्रिक्स कहते हैं. पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट कैन सर्च दिस वर्ड परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल मैट्रिक्स. तो जनरली बहुत सिंपल वर्ड में बताऊं तो दूसरे लोग हमसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको और थोड़ा ज्यादा कर ले, और थोड़ा ज्यादा कर ले. 5 घंटे करते हैं तो 7 घंटे कर ले. अगर हम घर पे भी हैं तो हम यही चाहते हैं ना, बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है तो 3 घंटे पढ़ ले, 3 घंटे पढ़ रहा थोड़ा और ज्यादा पढ़ ले. लोग हमसे भी तो हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे हम हेल्दी वे में बिना मुंह चढ़ाए हम अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाते जाएं. वेयर एज पोटेंशियल मैट्रिक्स ये कहती है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा दो ताकि आप कम समय में भी ज्यादा परफॉर्म कर पाओ. तो द पॉइंट इज कि लोग आपसे ज्यादा एक्सटेंडेड आवर्स करवाएंगे. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक डायमेंशन अपनी दूसरी बढ़ा लें पोटेंशियल की ताकि हम कम समय में भी ज्यादा काम कर पाए. तो जब आप इस प्रोग्राम को करेंगे तो हमें ये एक्सपीरियंस होने लगेगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, इट्स मोर अबाउट पोटेंशियल बढ़ाना एंड दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पीपल फ्रॉम एचआर कैन सी दैट वर्ड एंड देन दिल रियलाइज कि पोटेंशियल बढ़ाना पे काम ज्यादा हो रहा है इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स. वो बाय प्रोडक्ट होगा, किसी को करना है तो होगा, बट पोटेंशियल बढ़ाने से बहुत आउटकम बढ़ने वाला है. ये बात बहुत बढ़िया कही विकास जी आपने. देखिए मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है जिसमें 18-18 घंटे की ट्रेनिंग नॉन स्टॉप लैंडमार्क फोरम को देखिए 3 दिन लगातार ट्रेनिंग चल रही है. और इसके अलावा जो 7-7 दिन की 10-10 दिन की 1-1 महीने के वर्कशॉप्स भी मैंने किए हैं. आप देखिए उस सबको हमने 15 घंटे में समाहित कर दिया है. सिर्फ 15 घंटे की ट्रेनिंग है हमारी और 15 घंटे में वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो महीनों की ट्रेनिंग में नहीं मिल पाता है विद इन 15 डेज. और इसको एक्सपीरियंस करना और ये कितना ग्रुप में होते हुए भी कितना कस्टमाइज है आपको यही समझना है. ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है, अकेले के लिए है. और देखो कितनी अलग अलग प्रॉब्लम से लोग आए हैं लेकिन फिर भी सटल वे में ये प्रोग्राम कस्टमाइज बना के आपको दिया जा रहा है. बिल्कुल आप ये समझना, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है. चलिए और कौन शेयरिंग करेंगे, अपना कोई बात करनी हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आ जाइए. निर्मल जी हैं, निर्मल के मंडल जी हैं, आपसे बात नहीं हुई अभी. गौतम जी हैं और हाँ जी निर्मल जी. नमस्कार सर. मैंने इंट्रोड्यूस किया था यस्टरडे. हाँ. तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ सर, मैं प्रोफेसर हूँ इटकीट यूनिवर्सिटी. तो मेरा एक तो ऑब्जेक्टिव है कि मैंने बताया था कि सर ये जो नॉलेज जो है ये नॉलेज आई वांट टू गिव इट टू माय स्टूडेंट्स प्लस इम्प्रूव यू नो माय वेलबीइंग. और मेरा कुछ प्रॉब्लम्स भी है सर, लाइक डायबिटिक का प्रॉब्लम है बिकॉज प्री डायबिटिक्स बॉर्डर लाइन में है सर, दैट इज वन. एंड आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना. तो जस्ट 15 डेज हुआ है मेरा यू नो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ. तो मैं थोड़ा वीक भी हो गया हूँ, काफ़ी वीक हो गया हूँ. तो इसको थोड़ा रिकवर करके और इम्यूनिटी को थोड़ा कैसे एनहांस करें, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है सर. मेरा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है सर, राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस. ऑफन आई गेट स्नीजिंग, एक दिन रहता है फिर अगेन बंद हो जाता है, यू नो अगेन 1 वीक या 15 दिन के बाद अगेन होता है. तो इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम भी इफ आई कैन गेट रिजॉल्व यू नो. ओके, तो देखिए ये सारी को आप लिस्ट बना लीजिए अपनी. हाँ सर. और लिस्ट बना के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो. फिर छठे दिन आप उस सबको दोबारा लिख के बैठना, लिस्ट को छोटी बड़ी सब प्रॉब्लम्स को लिस्ट कर लीजिए आप. राइट सर.
और फिर देखेंगे ना, समीक्षा करेंगे 6 दिन के बाद। हाँ जी, और सुनीता जी, वुड यू लाइक टू टॉक, तो कोई क्वेश्चन हो आपका? सुनीता जी हैं, गौतम हैं, मोनी हैं, मोनी वर्गीज, बाला चौधरी हैं, शैलजा प्रसाद हैं। हेलो सर। हाँ जी गौतम जी। आई एम गौतम फ्रॉम गुड़गांव। बेसिकली आपका वर्कशॉप ज्वाइन किया फॉर गुड हेल्थ। आई डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज एज सच, ओनली सर्वाइकल का इशू है। तो वेट लॉस तो है ही एक मेन मुद्दा जो है, प्लस टू लर्न द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आप बता रहे हैं कि ये चावल और रोटी वगैरह नहीं खाना है 6 दिन, तो आफ्टर 6 डेज क्या इसी को कंटिन्यू करना है? देखिए 6 दिन के बाद बात करेंगे ना, 6 दिन में तो दुनिया बदलती है, 6 दिन की क्यों चिंता करें? पहले 6 दिन के बाद की चिंता मत करिए, 6ठे दिन हम बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे ये डाइट सिर्फ 6 दिन के लिए है। जैसे कॉफी की एडिक्शन है, मतलब कॉफी के बिना, तो कॉफी रोज पीजिए ना, 1 बजे से पहले पीजिए, लेकिन ठीक है ना, चीनी और दूध मत डालिए उसमें, बाकी पी सकते हो। और उसके साथ आप खजूर ले सकते हो मीठे के लिए, चाहे तो उसमें 1 या 2 खजूर को ब्लेंड कर लीजिए तो कॉफी बना लीजिए, बहुत अच्छी कॉफी बनती है। और कॉफी को बढ़िया बनानी हो तो बादाम पीस लीजिए, थोड़ा सा 5-7 बादाम, और उसमें खजूर पीस लीजिए, उसको छानकर उससे दूध बहुत अच्छा बनता है, उसमें कॉफी बना सकते हो। उसकी रेसिपी हम डाल देंगे, अभी डाल भी दिया कल ही हमने बुक जो है उसकी, उसमें उसकी रेसिपी मिल जाएगी आपको। जो आपने जो वॉमिटिंग का वीडियो डाला था वो नीड बेस्ड करना है या डेली करना है? देखिए अभी 6 दिन तो डेली कर लीजिए, अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरे सामने ही प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ सकते हो आप, फिर उसके बाद तो जब जरूरत पड़ेगी तभी करिए, रोज क्यों करना है? तो मॉर्निंग में करना है या किसी भी टाइम कर सकते हो? देखिए बेहतर तो ये खाली पेट किया जाता है, तो मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा होता है। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ जी सुनीता जी, आप कुछ बात करना चाहती हैं? हो गया आपका कोई प्रश्न हो तो हम सेशन को क्लोज करेंगे, अगर किसी को कोई बात नहीं करनी है तो। राइट, सुबह मिलते हैं, टाटा बाय बाय। सर डायरेक्ट संपर्क कैसे हो सकता है आपसे या किसी टीम मेंबर से? हाँ ग्रुप में डाल दीजिए आप, कोई भी प्रश्न हो प्रश्न डाल दीजिए और उनसे कहिए कि मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, जी तो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है, प्रश्न अपना प्रश्न डाल दीजिए, किस विषय में बात करना चाहते हैं। और आज का मौका भी है, अगर आपको अच्छा लगता है अपने परिवार मेंबर्स को किसी को लाना चाहते हो तो सिर्फ 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, 9,000 देने नहीं है। और दोपहर का 3 बजे का सेशन भी अपना ज्वाइन करा सकते हो उनको जी। और आपके बच्चे हो 15 साल से छोटे, उनको भी आप 3 बजे करा सकते हो, उनके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और आपके परिवार में या आसपास कोई भी कैंसर पेशेंट है तो आपके टिकट पे उनको फ्री एंट्री मिल सकती है, तो उनको भी एनरोल करा सकते हो। 3 बजे का समय है, तो अभी आप हमारे टीम मेंबर से बात कर लेना कि हमको करना चाहते हैं हम, ये तो कर सकते हो।